जय श्री श्याम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज रूही की है छुट्टी, तो हम और रूही एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलो बेटा अंदर वाले कमरे में चल। तो गाइज आज रूही घर पे है, हम रूही टाइम स्पेंड करेंगे। और मशीन लगा रखी हूँ, देखो कपड़े धुलाई हो रही है गाइज। और मोनू गया है मार्केट। तो रूही और बताओ आप, मासी कैसी हो आप? रूही मैं बहुत अच्छी हूँ, बस मेरी मासी जो मेरी माँ की तरह है उनकी दुआ है। और बाप रे, तो रूही आप लोगों को एक डांस दिखाएगी। कौन से? रूही को बहुत अच्छे अच्छे गाइस डांस आता है और रूही बहुत डांस करती है। इसको ना डांस क्लास में भी नाम नहीं लिखा रखी हूँ। हाँ, क्योंकि गाइस अगर टीवी आ जाएगा तो टीवी में फोन से कनेक्ट करके उसमें से केपॉप वाले डांस निकाल के करूँ मैं। हाँ मैंने बोली बेटा अभी आप छोटी हो, अभी एलईडी सही हो जाएगा गाइस। तो रूही को घर में ही डांस रूही सीखेगी, बहुत अच्छा रूही डांस करती है, डांसर बनेगी रूही बड़ी होके। तो गाइस आप लोग बताना कि रूही डांसर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो चलो रूही आप एक बताइएगा। हाँ बता देंगे बेटा, बता देंगे। टेंशन मत लो, आपसे शॉर्ट ब्लॉग में मैंने कई बार पूछा है, आपने बस वो बताया ही नहीं है कुछ। बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, हमारे YouTube फैमिली है बेटा, आपके लिए भी बता देंगे। तो आप एक डांस करके दिखाओ गाइस को। कौन से गाने पे? हाँ वो वाला क्या कहते हैं, सुकु सुकु पे। सुकु सुकु पे करो, सुकु सुकु पे करो, सुकु सुकु पे। तो सुकु सुकु पे कर दो, इतना बात करो। अभी देख करो इतने कैमरा। चलो ठीक है करो। तो गाइज रूही आपको डांस करके दिखाएगी। और गाइज आप लोग कहाँ कहाँ से कमेंट करते हो, आप कहते हो कि आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। गाइज बहुत दूर दूर से कमेंट लोग करते हैं, नाम भी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों से सारे से जितनी मेरे यूट्यूब फैमिली है सबसे बहुत ही प्यार करते हैं हम। ठीक है गाइज, कोई आप हम लोगों से दूर नहीं हो, आप हमारे फैमिली हो, फैमिली मेंबर मानते हैं आपको गाइज। और ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों से। गुरु ही जब तक आप डांस करो, मैं आप डांस के लिए तैयारी करो और मैं थोड़ी सी, दुनिया तो पॉपकॉर्न खाती है और मैं खाऊंगी सिलेटी। रूही का डांस देखते देखते सिलेटी खाऊंगी गाइस। तो रूही हो गई है तैयार और डांस के लिए। चलो कोई नहीं रूही आप डांस करके दिखाओ। करू? हाँ आई एम गोइंग स्टार्ट स्टार्ट। मैं तो दिल की राह तू, धड़कनों की मन्नत तू, खुद का दरिया हूँ मैं और मेरा साहिल तो कुसुम 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 है मेरा सुकुम 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 नहीं मेरा कुसुम 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 है मेरा सुकुम नहीं मेरा कुसुम 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 है मेरा सुकुम 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 नहीं मेरा। बस अब ब्लैकमेल तो करो जो मम्मी को समझ में, मेरी मासी को नहीं आएगा समझ में। हाँ करो। मेरी तो मुझे तो इसकी ना डांस समझ में नहीं थी, कौन सा ये ब्लैक पिन पे कर रही है और क्या बोली हो आपने, कौन सा डांसर करती बनोगी? K-pop साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की K-pop का सपना देख रही है। सपना नहीं, अरे बेटा इंडिया में ही रह लो। नहीं K-pop जाएगी गाइस, इसका सपना देखो कितनी बड़ी सपना है। और वो मेरी माँ से भी कह रही कि मैं भी तेरा साथ दूंगी। हाँ तो पहले पढ़ लिख के पहले सही से पढ़ो, उसके बाद। गाइस एक ने कमेंट करा था कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं हूँ फिफ्थ में। हाँ रूही फिफ्थ में। रूही एक दो आप कमेंट पढ़ के सुनाओ गाइस लोगों को। कमेंट ये लो फोन। इस ब्लैक एंड सो पर ये थम तंग आ गए सुनाओ। ये तेरा जो कसूर है पसंद का गया।
सुनाओ। सो ब्यूटीफुल फैमिली व्लॉग, थैंक यू। सो ब्यूटीफुल फैमिली व्लॉग, थैंक यू। कितने क्यूट हो आप। वो तो हूँ। ये दिया कोई शक। ये दिया अरुण जी ने। अरुण जी आपको कोई शक है कि हम लोग क्यूट नहीं है। हम लोग क्यूट है, आप भी क्यूट हो, आप भी अच्छे हो। और सुनाओ। ये दिया है पबजी प्लेयर। इसने दिया है हाँ। आरती दी आपकी खूबसूरती का राज क्या है। वो तो वैसे भी बेटा गोले का तेल, रात के टाइम सोते समय गोले का तेल। वो तो ऐसे ही है, गोले का तेल नहीं। आपको पता है ना, वो तो वैसे भी ब्यूटिशियन है आरती। और आरती कुछ नहीं करती है, ना मेकअप करती है ना कुछ करती है। वो वैसे ही ग्लो ही करती है और ऐसे ही अच्छी लगती है। मेरी बेटी दोनों सिंपल रहती है गाइज। वो ओनली गोले का तेल लगाती है और कभी मेकअप नहीं करती। आप देख लेना, हर वीडियो में देख लेना, ओनली एक थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती है, बाकी कुछ नहीं करती है। और बताओ। और सुनो। आपकी लिपस्टिक फैल रही है मम्मी। ये कौन है? सिस्टर गर्ल मम्मी। थैंक यू बेटा, लिपस्टिक फैल जाती है बेटा जब मिट्टी मुल्तानी खाती हूँ ना। सो क्यूट व्लॉग अरुण जी। फैल जाती है बेटा। माय गॉड आरती, मैं तो दुआ करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू बाबू, आप लोग फैमिली हो। सुनीता जी तो आप तो करोगी ही दुआ। सुनीता जी थैंक यू। और बताओ। और बोलो। सुनील जी ने आप पकड़ो सी परोसी पकाड़ो, मतलब पका रहे हो आप पका रहे हो भाई, पका रहे। पड़ोसी बोल रही थी, मतलब इनकी पड़ोसी बोल रही थी कि उनके पड़ोसी भी देखते हो और आप कितना पकाते हो उनके पड़ोसी को। तो हम फोन पे तो बात नहीं करते जो उन्हें पकाते होंगे। व्लॉग हमारा जिनको पसंद नहीं है तो गाइस अभी मत देखो प्लीज। रेडबेरी थैंक यू दी मुझे याद करने के लिए। बेटा रेडबेरी हम तो हमेशा आपको याद करते हैं बेटा। ये वो नहीं, दूसरा है, वो तो कोई और चैनल पर खुल गया। ये आगे वाले देखो, ये जो हिस्से ही हो, ये देखो इसके पढ़ो। आप बहुत क्यूट हो। वो तो रूही की मम्मी, मम्मी नहीं है मेरी है, पर मेरी मम्मी की तरह लगती है। हाँ मेरे है मासी ये। कोई नहीं बोलने दो ना बेटा। रूही की मम्मी कहाँ से है? रूही आप कहाँ से हो? मेरे दिल से है रूही। आप कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से हूँ भैया, फरीदाबाद से। हाँ। वैसे अंकिता जी मेरी ये मम्मी नहीं है, मेरी मासी है, पर लेकिन मेरी माँ के समान है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। आपके दांत कितने प्रीटी हैं? दांत प्रीटी नहीं है, पीला हो गया है मिट्टी मुल्तानी खा खा के। आपको पता है कल मैंने वो लेके आई थी सेंसिविटी कोलगेट, उससे दांत का साफ करी हूँ, मिट्टी मुल्तानी खा खा के पीला हो गया था गाइज। और उसके बाल बबूल के दांतन, उससे भी सुबह सुबह आप लोगों से मैंने पूछी थी कि गाइज आप बताना कि दांतों के लिए क्या सफाई करूं दांतों। वैसे भी साफ तो करती हूँ, दिन में 3 बार ब्रश। परी का कमेंट है, हाय आई एम बिग फैन ऑल यू, माय नेम इज, मेरा नाम वीडियो में लो ना। परी बेटा आई लव यू परी, मेरी परी, छोटी सी परी, पता नहीं छोटी है बड़ी है पर छोटी हो आप, छोटी है परी नाम है। परी बेटा आई लव यू मेरी परी, आई मिस यू। रूही को गुस्सा आ रही। और बोलो। मुझे तो लगता है आपका पति एक्सपायर हो गए हैं। ओ माय गॉड, एक्सपायर डेट कर दिया मेरे पति को।
नहीं तो वो क्या मेरे हमारे भूत हैं जो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे पति को एस्पायर हो गए। आपके पति क्यों हो जाएंगे भाई, ये बताओ। मेरे पति एस्पायर, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। हाय रूही, इन्होंने क्या बोला। गाइस मैं भी कुछ दिनों में अपनी मासी के रिलेटिव यूट्यूब चैनल मैं भी खोलूंगी अपने डांस में, तो आप उसके भी फॉलोवर जरूर बढ़ा, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा देना। पहले ये बताओ ना, ये आपके मासा जी को एस्पायर डेट बता दिए। एक मिनट गाइस, मैं क्या करूंगी, एस्पायर डेट के साथ रहूंगी कैसे। मैं क्या करूंगी रूही। पापा जी का फोन आ रहा है, इतने एक मिनट। हेलो, हाँ नहीं है, फिर करवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो सही है। शाम को खाना कैसे बनेगी फिर। ठीक है जाओ। हाँ ठीक है जाओ, बाय जानू। तो गाइज आपको पता है, सुबह सुबह खाना बना रही थी गाइज, चूल्हे का पाइप कट गया और चूल्हा भी मेरा खराब हो गया था, तो दोनों बाप बेटे गए हैं साफ सही करवाने के लिए। और मैं सोची कि मैं रूही, रूही मशीन घुमा दो बेटा, दोनों हम दोनों ब्लॉग बना रहे गाइज आप लोगों के लिए। और पति देव जिस दिन चले जाएंगे ड्यूटी, अभी तो ड्यूटी उनकी छूट गई है गाइज, जब वो चले जाएंगे तो आरती पूजा शाम को आएगी, तो आप लोगों को सबका कमेंट पढ़ के सुनाएंगे, सबका नाम लेंगे। गाइज ये छोटी सी बच्ची है, इतने का नाम नहीं ले पाती है हम। गाइज अब आपको आवाज नहीं सुनी तो आप कैसे कह सकते हो कि नीलम जी आपके पति एक्सपायर हैं। एक्सपायर नहीं है मेरे पति, बहुत उनकी आत्मा के साथ रह रहे हैं हम, है ना। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, हमारे पति बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। मेरे पति एक्सपायर डेट नहीं है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बट आप लोगों को सामने नहीं लेके आ पाती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं मिट्टी मुल्तानी खाती हूँ और वो मुझे जान से मार देंगे, तो मैं क्या करूँगी। और प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ यूट्यूब फैमिली, मेरे पति को एक्सपायरी डेट मत बोलो, सॉरी उसके लिए। मैं अपने पति को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि मैं वीडियोज बना रही हूँ, और उनके लिए सॉरी उनको दिखा नहीं पाती हूँ। ठीक है गाइज, बाकी अब मैं, वीडियो हो गई है लंबी और मैं रख रही हूँ, एंड कर रही हूँ वीडियो को। बाय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।